ब्रेस्ट हेल्थ विमेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट में आया हुआ कोई भी लक्षण किसी भी विमेन के लिए किसी भी एज ग्रुप में एक चिंता का विषय बन सकता है। हेलो, मैं डॉक्टर गीतेंद्र गाबा, MS ऑब्स एंड गायनी, गाबा हॉस्पिटल यमुनानगर से। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं और आपको कब उनको कैसे टैकल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट पेन, जो किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी हो सकता है। ब्रेस्ट पेन क्या होता है? ये किसी प्रकार का भी दर्द, दबाव, खिंचाव ब्रेस्ट में हो सकता है। ये ब्रेस्ट एक ब्रेस्ट में हो या दोनों साइड हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो सकता है। ब्रेस्ट पेन दो प्रकार का होता है, एक साइक्लिकल और एक नॉन साइक्लिकल। साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन क्या होता है? ये बेसिकली नाम से पता चलता है, साइक्लिकल मतलब बार बार आता है। बार बार का मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हो सकता है। यूजुअली पीरियड स्टार्ट होने से पहले ये ब्रेस्ट पेन स्टार्ट होगा और ड्यूरिंग द पीरियड्स कंटिन्यू रह सकता है। इंक्रीजिंग एज के साथ, हार्मोनल चेंजेस के साथ ये ब्रेस्ट पेन बढ़ भी सकता है और डिसकम्फर्ट का कारण बन सकता है। साइक्लिकल पेन यूजुअली दोनों ब्रेस्ट में इकट्ठे होता है और ये हार्मोन्स के कारण, कई बार कुछ मेडिकेशन के कारण भी हो सकता है। इसके बदले में दूसरा है नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा या एक सिंगल ब्रेस्ट पर होता है और ये यूजुअली कोई फिक्स टाइम पर नहीं होता। ये कंटिन्यू पूरे मंथ भी रह सकता है या फिर ये किसी भी टाइम पर आपको हो सकता है। साइक्लिकल पेन, जैसे मैं बता रही थी, एक हार्मोन चेंजेस के कारण हो सकता है या फिर आपकी डाइट में कुछ चेंजेस के कारण हो सकता है, स्ट्रेस से भी हो सकता है। एक सिंड्रोम कहते हैं PMS, जो हमारा मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होता है, इस दौरान भी आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। हमें जानना चाहिए कि जब आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है वो किस प्रकार का है, साइक्लिकल है या नॉन साइक्लिकल है, और आपको कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब अगर आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है, आपने क्या ध्यान रखना है? पहले आज जैसे मैंने बताया, आप जानिए कि दोनों साइड पर है, कब हो रहा है, कितनी इंटेंसिटी का हो रहा है। कुछ चीज़ें जो आप घर पे कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, पहले कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। कैफीन यानी कि चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट को कम करने से इस ब्रेस्ट पेन को रोका जा सकता है। क्या आप कोई हार्मोनल टैबलेट्स ले रहे हैं जो ब्रेस्ट पेन कॉज कर रहा है? आप अपने डॉक्टर से बात करके उनको चेंज करवा सकते हैं या बंद करवा सकते हैं। अपने आप अंडरगार्मेंट्स जो पहन रहे हैं, अगर वो ज़्यादा टाइट या लूज़ हैं, उनसे भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। आप इन चीज़ों को चेंज करके, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को रिमूव करके इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर ये पेन कंटिन्यूसली 2 मंथ से ज़्यादा चल रहा है या इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप अपना नॉर्मल घर का काम, नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं या आपको ये डिसकम्फर्ट दे रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आपको ब्रेस्ट पेन होता है, आपको ये जानना है कि एसोसिएटेड साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या कोई गांठ तो नहीं बन रही है या कहीं से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम साथ में बात करते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है खुद से अपनी ब्रेस्ट को चेक करना, और इसके साथ एक टर्म आती है ब्रेस्ट अवेयरनेस। ब्रेस्ट अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने नॉर्मल ब्रेस्ट को जानें, ताकि अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो आप उसे जान सकें और तुरंत आप हेल्प ले सकें। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये जानना ज़रूरी है, ये कैसे करते हैं और कब करते हैं। ये हर वुमेन को करना चाहिए इंटरमीडिएटली, या अगर आपको पेन हो रहा है या कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो। ये कब करा जाता है? बेस्ट टाइम है जब आपको मिनिमम टेंडरनेस है ब्रेस्ट में, यानी कि पीरियड्स ख़त्म होने के 1 हफ्ते के बाद बेस्ट टाइम होता है जब हम अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, लुक एंड फील। लुक का मतलब है देखना। आप नहाने के बाद मिरर के आगे खड़े होकर अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, क्या उसमें कोई साइज में चेंज है, स्किन में कोई चेंजेस हैं, रेडनेस हो रही है, कहीं से कोई स्किन अंदर जा रही है जिसे हम पकरिंग कहते हैं, निपल में कोई बदलाव है, क्या आपके निपल्स एक साइड से अंदर जा रहे हैं जिसे इन्वर्टेड निपल कहते हैं, या कोई और स्किन में चेंजेस आ रहे हैं। ये हम 3 पोजिशंस में करते हैं, सीधा स्टैंड करके, अपने हाथों को हिप्स पे रखकर, और तीसरी पोजीशन जब अपने दोनों हाथों को सिर पे रखकर। तीनों पोजीशन में अगर आपको कोई चेंज लगे तो नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं, जो कि है फील।
ये आप लेट कर सकते हैं और अपने दोनों ब्रेस्ट को वन बाय वन करके अपने हाथों से एग्जामिन करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा नोड्यूल या कोई मास फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप एग्जामिन कर रहे हैं तो अपने फिंगर्स से ज़्यादा अंदर पोक ना करें, क्योंकि हमारा ब्रेस्ट फैटी टिश्यू का बना होता है तो कई बार नॉर्मल टिश्यू भी हमें मास की तरह दिखता है। किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम लगे तो इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसर्न कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगी या आप एक नेचुरल चेकअप रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या क्या टेस्ट हैं जो वो करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर खुद एग्जामिन करेंगे, अगर उन्हें सब नॉर्मल लगता है तो कोई फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ हैं उसमें एक अल्ट्रासाउंड आता है, एक मैमोग्राम आता है। अल्ट्रासाउंड जैसे आप सब जानते हैं एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह होता है जो बता सकता है कि किस प्रकार का दिक्कत है, क्या मास है। और मैमोग्राम एक एक्सरे होता है जो स्पेशली ब्रेस्ट का किया जाता है। ये भी दो तरह से करते हैं, या स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि वैसे आप सब कुछ नॉर्मल है बट आपकी एज यूजुअली 45 या 50 ईयर्स के बाद, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको कोई भी बीमारी होने से पहले स्क्रीन करने के लिए मैमोग्राम किया जाता है। ये मैमोग्राम कराने के अगर आपका नॉर्मल आता है तो आप 2 ईयर्स के बाद इसको रिपीट करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम में अगर कोई दिक्कत होती है या आपके डॉक्टर को लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो एक बायोप्सी की जाती है। अब अगर हमारे पास ब्रेस्ट पेन है और ब्रेस्ट मास आया है, हर मास खतरे वाला नहीं होता है, तो यू हैव टू नो कि क्या क्या तरह के सिस्ट या ब्रेस्ट में मासेस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन होते हैं सिंपल ब्रेस्ट सिस्ट, ये पानी जैसे इकट्ठा हो जाता है उस तरह से एक नॉर्मल सिस्ट होते हैं जिनमें कोई खतरे की बात नहीं होती है। दूसरे होते हैं फीडिंग के टाइम पर, जब कभी हमारे ग्लैंड्स जिसमें दूध बन रहा है उसमें दूध इकट्ठा हो जाए तो मिल्क सिस्ट टाइप कुछ बन जाता है। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं या काफ़ी देर तक वो इकट्ठा रहता है तो वो बाद में एब्सेस यानी कि पस बन सकता है, जो इन्फेक्शन आपको फर्दर लॉन्ग टर्म दिक्कत कर सकता है। थर्ड टाइप के होते हैं फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा काफ़ी कॉमन है, नॉर्मल भाषा में ये एक सिंपल सी गांठ है जो छोटी से बड़ी हो सकती है और मूव करती है। ये यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है, ये दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकती है और सिंगल ब्रेस्ट पे भी हो सकती है। यदि फाइब्रोएडिनोमा है अगर छोटा है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अगर ये बढ़ रहा है तो इनको छोटे से इंसीजन के द्वारा निकाला जा सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे और मासेस जैसे चोट लगना, उससे ब्लड कलेक्ट होना, हेमेटोमा जिसे कहते हैं, बन सकता है, और रेयरली कैंसर की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी से पहुंचने से पहले तक ही हम चाहते हैं कि तभी आप लोग अपने एग्जामिनेशन खुद करें, अपने इन्वेस्टिगेशंस कराएं और टाइम पे ट्रीटमेंट लें। अगर ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट मासेस नॉर्मल हैं तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर हार्मोन्स, नहीं तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में कुछ विटामिन्स होते हैं जो आपको ब्रेस्ट पेन से रिलीव करने में हेल्प करेंगे, जिनमें विटामिन ई है, प्राइमरोज ऑयल है। ये 2 से 3 महीने लेने से आपको काफ़ी आराम मिलता है। ब्रेस्ट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रेस्ट मासेस से आपको अपनी अवेयरनेस रखनी है, कोई भी दिक्कत में टाइमली आपको डॉक्टर के पास जाना है। इतनी इम्पॉर्टेंस ब्रेस्ट हेल्थ को दी जाती है कि पूरा अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट अवेयरनेस मंथ की तरह पूरे विश्व में मनाया जाता है। हम चाहते हैं आप अपना ध्यान रखें और हम आपको इस तरह से नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देते रहें। आई वुड लाइक यू ऑल टू बी अवेयर एंड टेक केयर।